आदाब नाजरीन, मैं अकोला महाराष्ट्र से डॉक्टर रेहान खान। आज हम शनाख्त करेंगे पीली शर्मिली की और साथ ही साथ लाल शर्मिली के मुख्तलिफ हिस्सों से उसका मुवाजना करेंगे। तो ये देखिए, पीली शर्मिली का पीला फूल और लाल शर्मिली का लाल फूल आपको नजर आ रहा होगा। नेप्टोनिया ओलिरेशिया इसका लातिनी नाम है और ये देखिए इसका फूल कुछ इस किस्म से नजर आता है। पीले रंग का ये फूल होता है, इसीलिए इसे पीली शर्मिली मैं कह रहा हूं। और ये जो है ये बहुत ज्यादा फैलती है, इसके पत्तों में भी उसी किस्म की एक हसासियत होती है जो कि लाल शर्मिली में होती है। इसके पत्ते थोड़े से कम हसास होते हैं लेकिन तकरीबन इतने ही हसास होते हैं। इसकी और बहुत सारी किस्मों की शनाख्त मैं आपको करवाऊंगा लेकिन फिलहाल आप इन पत्तों की जो हसासियत है उसका अंदाजा लगाने की कोशिश कीजिए। और ये जो बेल होती है इसकी खास बात ये होती है कि ये बहुत ज्यादा फैलती है, हालांकि जो लाल शर्मिली होती है उसकी बेल थोड़ी सी कम फैलती है। तो ये देखिए वो एक पौधे नुमा होता है और ये जमीन पर मफरूश होती है। तो ये देखिए इसके मुख्तलिफ हिस्सों का आप मुआयना कीजिए और ये देखिए इस तरह ये फैलती है, इसीलिए नेप्टोनिया प्रोस्ट्रेटा इसका लातिनी नाम है और मुख्तलिफ लातिनी नाम आपको अपने स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे। और इसके मुख्तलिफ हिस्सों का मुआवजना कीजिए, मुआयना कीजिए। तो ये देखिए इस किस्म की इसकी कलियां होती हैं, इसे बारिश के बाद फूल आने लगते हैं और ये बहुत ज्यादा पानी वाली जगह या दलदल वाली जगह या फिर जहां पर बहुत ज्यादा कीचड़ होता है ऐसे मुकामात पर यानी नमनाक मुकामात पर होती है। इसका इस्तेमाल मैं आपको आगे बताऊंगा लेकिन फिलहाल इसकी कलियों को भी देखिए और मुख्तलिफ हिस्सों का इसका अंदाजा लगाने की कोशिश कीजिए। ये बहुत जबरदस्त किस्म का इमसाक पैदा करती है, खासतौर से इसकी जड़, इसलिए बहुत सारे लोग इसे वशीकरण के काम की दवा कहते हैं। तो वशीकरण यानी फरीकैन के माबैन ये इतनी रगबत पैदा कर लेती है कि वो एक दूसरे की तरफ मायल रहते हैं, रुजू रहते हैं। तो ये देखिए इस किस्म से फैली हुई ये एक बेल होती है, ये देखिए इस किस्म के इसके मुख्तलिफ हिस्से और इसकी हसासियत का भी अंदाजा लगाने की कोशिश कीजिए। हालांकि इस्तेमाल में जो है वो लाल शर्मिली ही ज्यादा बेहतर मानी जाती है लेकिन हर पौधे की अपनी किस्म की अहमियत है। तो ये देखिए इस किस्म के चार किस्म के इसके पत्ते होते हैं और बीच में से इसकी कलियां आती हैं इसके जोड़ों पर। इसकी और एक खास बात होती है कि इसमें कांटे नहीं होते और इसकी जो बेल है वो जमीन पर बहुत ज्यादा फैलती है, मफरूश तरीके से रहती है। और ये देखिए इसके नए पत्ते आपको नजर आ रहे होंगे, नए पत्ते कुछ इस किस्म से होते हैं और जो पुराने पत्ते हैं वो भी आपको नजर आ रहे होंगे। इसे जो शाखें हैं वो थोड़ी ज्यादा लगती हैं और ये फैली हुई, मैं बार बार कह रहा हूं कि ये फैली हुई होती है और नमनाक इलाकों पर अक्सर ये पाई जाती है। हालांकि इसे काफी कमयाब समझा जाता है लेकिन हमारे यहाँ कुदरती तौर पे ये मिल जाती है। तो इसका मुख्तलिफ हिस्सों का मुवाजना करने की कोशिश कीजिए लाल शर्मिली से, जिसके के वीडियोज आपको स्क्रीन पर नजर आते रहे होंगे। और ये देखिए इसके पत्ते, जो पस मंजर में आपको पत्ते नजर आ रहे हैं उनकी तरफ भी गौर करने की कोशिश कीजिए। उनके बीच में ऐसा लगता है मानो एक सफेद सा खत खींचा गया हो दूर से, उन पत्तों में वो सफेदी जो इसके यानी पत्तों की शुरुआती हालत में होती है वो सफेदी भी आपको नजर आ रही होंगी। तो ये देखिए यह है पीली शर्मिली के मुख्तलिफ हिस्से और इसकी ये फलियां हैं। लाल शर्मिली की फलियां भी आपको नजर आ रही होंगी अपने स्क्रीन पर। और ये देखिए ये पीली शर्मिली की फलियां जो कि इस किस्म से होती है, सूखने पर ये कुछ इस किस्म से नजर आती है जबकि लाल शर्मिली की फलियां थोड़ी मुख्तलिफ होती हैं, उनमें ज्यादा अलग कांटे होते हैं, इसमें कांटे कम होते हैं। तो ये देखिए लाल शर्मिली से पीली शर्मिली का भी मुवाजना करने की कोशिश कीजिए। और ये देखिए ये इसके जो फलियां हैं यानी पॉट्स हैं तो आपको इसकी फलियां इस किस्म से नजर आती हैं। इसके जो बीज है मैं उनका भी मुआयना करा देता हूँ। तो ये देखिए इसके बीज ज्यादा गहरे रंग के होते हैं और लाल शर्मिली के बीज थोड़े से अलग होते हैं। तो ये देखिए जसामत में ये बीज काफी बड़े हैं और लाल शर्मिली के जो बीज है वो आपका अपने स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे। मुवाजना करने के लिए मैंने दोनों ही वीडियो दे दिए हैं। तो ये देखिए ये है पीली शर्मिली के मुख्तलिफ हिस्से और गहरे सियाह किस्म के इसके बीज जो कि जसामत में लाल शर्मिली के बीजों से काफी बड़े हैं। तो उम्मीद है कि इसे आप ढूंढेंगे और इसका जखीरा करने की कोशिश करेंगे और इस इल्म का कोई गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे, चूंकि मैं बार बार कह रहा हूं कि ये वशीकरण वगैरह में ज्यादा मुस्तमिल है और इसीलिए इसे आजकल काफी कीमती समझा जाता है और बहुत सारे लोग इसकी तस्करी भी करने लगे हैं। लेकिन आप इस इल्म का सही इस्तेमाल कीजिए और अल्लाह की मखलूक को इससे फायदा पहुंचाइए। खुदा हाफिज़।